सुनानी दे आई, थक थक झपकी है आई, थोड़ी सी मोहलत है। So hey guys, welcome back to my channel. Hope you are absolutely fine and healthy and very very good morning to all of you. So आज हम फिर से आ चुके हैं अपने एक्वेरियम शॉप में, ग्रीन आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम हाउस। एंड आज मैं खुद के लिए एक्वेरियम लेने आया हूँ। तो आज का वीडियो एक्वेरियम लेने का नहीं है, एक्वेरियम बनाने और उसका सेटअप करने का है। तो लेट्स गो। हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इसको घर में आके सेटअप करना है। और दो मछली भी लिए हैं भैया। कौन कौन सा मछली लिए थे? मिर्गी का। चलिए सही है, अभी रह जाएगा ना स्टार्टिंग में। और उसका कितना दिन बाद फिर दूसरा मछली डालेंगे? 72 घंटे का बटा। दो तीन दिन बाद आके लेके जाते हैं। A few moments later. हम लोग सब रूम पहुंच चुके हैं अपना, एंड इसको रखने का तैयारी हो रहा है। एंड यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, उसके ऊपर हम लोगों ने थर्माकोल का मटेरियल था, उसी पर हम लोग ये जो एक्वेरियम है अपना उसको रख रहे हैं। थर्माकोल ना मिलने पर देसी जुगाड़। हाँ, थर्माकोल का दुकान बंद था तो इधर पे देसी जुगाड़ हम लोगों ने कर लिया, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड बैलेंस भी सही है। किचन में देखना गया था, दीवार में नहीं लग रहा है ना, गैप तो है। तो फिलहाल आप अब इसको अंदर में हम लोग डेकोरेशन करने वाले हैं, तो आप जो टाइम लैप्स का है वो मज़ा पूरा लीजिए। तो लेट्स गो। फिलहाल दो दिन बाद मैं फिर से आ चुका हूँ। एंड अब मैंने उस दिन एक्वेरियम को सेटअप कर दिया था, बट थोड़ा सा बाकी था वो मैं आज कर दूंगा। एंड आज मैं मछली भी लेकर आया हूँ, एंड इनको भी सब डालना है टैंक में। बिकॉज क्या है कि स्टार्टिंग में मछली डाल नहीं सकते, बिकॉज जब मैं एक्वेरियम उसी दिन बनवा के लाया था तो जो सिलिकन से जिसे सटाया जाता है वो ग्लू जो रहता है वो प्रॉपरली सिलिकन रहता है, एंड उससे बहुत सारे बैक्टीरिया केमिकल छोड़ते हैं। तो मैंने उस टाइम लिया नहीं था, सिर्फ दो व्हाइट फिश लिया था जो हार्डी फिश है, जो अभी तक फिलहाल सही सलामत है। तो अब इसमें इसको सेटअप करते हैं और उसमें मछली छोड़ते हैं। तो लेट्स गो। एंड एक्वेरियम के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो है लाइट, जो कि आपका रहना ज़रूरी है थोड़ा डेकोरेशन के लिए, बीच बीच में जलाने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये वाला लाइट लाया है, एंड यू कैन सी हियर, आप उसको देख सकते हैं, जो कि मैंने वही एक्वेरियम हाउस से ही लिया था। एंड सबसे मेन चीज़ है लाइट कितना कॉस्ट है वो मैटर उतना नहीं करता, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है वो मैटर करता है। तो दिस इज एनर्जी सेविंग 70%, तो ज़्यादा आपका लगेगा नहीं इसमें। तो ये जस्ट 3 वॉट का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वॉट का आता है, 3 वॉट का आता है, 4 वॉट का आता है, एंड दिस इज 3 वॉट, इसीलिए देखिए हाईलाइटेड है। एंड ये इसका मॉडल नंबर RS400LE, तो इन सब से कोई मतलब नहीं पड़ता, मेन है ये 3 वॉट का जो है। तो इसको सेटअप करते हैं, इसमें लगाने के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको इसके थ्रू यहाँ से घुसाएंगे, एंड इसको हम स्टिक करेंगे। स्टिक किससे करेंगे? तो हमने स्टिक करने के लिए 2 फेविक्विक लाया है, चलिए इसको स्टिक करते हैं। तो ये सेटअप हो चुका है, एंड लेट्स गो, आप इसको लगाते हैं उसमें। और अब इसको लगाते हैं यहाँ पे, पाइप को कर देते हैं थोड़ा पीछे।
सो ये लग चुका है एंड इसको आप ऑन करते हैं यहाँ से। ये कुछ इस तरह का लग रहा है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका मैंने सेटअप कर दिया है जो जितना करना था।